मेरा नाम डॉक्टर जयदेव पंचवाघ है। मैं एमवीडी सेंटर फॉर हेमिफेशियल स्पैज़म एंड ट्राइजमिनल न्यूरल्जिया जो पुणे में स्थित है, वहाँ पे न्यूरोसर्जन हूँ और आज मैं हेमिफेशियल स्पैज़म के बारे में बोलने वाला हूँ। बहुत पेशेंट ने मुझे पूछा कि डॉक्टर क्या आप बोटॉक्स इंजेक्शन के खिलाफ है? मैं बोटॉक्स इंजेक्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मुझ में और बोटॉक्स में कुछ दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि हेमिफेशियल स्पैज़म के लिए बोटॉक्स ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम शहना शशिकांत गुट्टल है। मैं बदलापुर में रहती हूँ। मुझे लास्ट 8 to 10 ईयर से स्पाज़म था, हेमिस्पेशल स्पाज़म। और मुझे जब पता चला कि डॉक्टर जयदेव पंचवा करते हैं ऑपरेशन पुणे में, तो मैं उनके पास आई लास्ट ईयर 2021 में। और उन्होंने मेरा 29 नवंबर 2021 को एमवीडी सर्जरी किया। आज 8 मंथ्स हो गए मुझे सर्जरी करके और मैं टोटली हेमिस्पेशल स्पाज़म से फ्री हो गई हूँ। अभी मेरा लाइफ एकदम नॉर्मल हो गया है, आँख बिल्कुल ब्लिंक नहीं करती है और एकदम अच्छे से सब कुछ चल रहा है मेरा। लास्ट 8 साल से हेमिफेशियल स्पाज़म ये उनको हुआ है करके, ये वर्ड समझने के लिए 8 साल लगे। अदरवाइज इसके पहले ड्राइनेस है या फिर रिलेटेड टू नर्व्स है या फिर रिलेटेड टू मेरे ख्याल से उनका आईज का कुछ प्रॉब्लम्स है करके, वो हिसाब से ही हम लोग ने ट्रीटमेंट लिया। मेरे ख्याल से बोटॉक्स के इंजेक्शन लिए, देन होम्योपैथिक लिया, देन न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाके एवरी 2 ईयर्स का बाद में समझ आता था कि नहीं, ये ट्रीटमेंट बराबर नहीं है, दूसरी जगह पर। ये बोटॉक्स का आपका अनुभव क्या है ये बताइए। मैंने बोटॉक्स लिया था लास्ट आई थिंक 5 6 साल पहले मैंने बोटॉक्स लिया था। जब मेरा बेटा एडमिट था इसके लिए वहाँ पर मैं गई थी, तो उस वक्त एक डॉक्टर ने मुझे देखा तो उन्होंने बोला आपको ये जो प्रॉब्लम है तो आप जो के डॉक्टर है उनको दिखाओ। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि इस पर एक सोल्यूशन है कि आप बोटॉक्स का इंजेक्शन ले लो। तो मैं उसके लिए रेडी हो गई और उन्होंने मुझे बोटॉक्स का इंजेक्शन यहाँ पर सब देना स्टार्ट किया। आपको लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में स्पाज़म है मुझे, तो वहाँ पर देना स्टार्ट किया। तो लेकिन होता क्या है कि जब लेते हैं ना तो एक्चुअली बहुत दर्द तो होता ही है, यहाँ पर भी देते हैं आईलिड पर, यहाँ पर सब, तो ये सब ब्लैक होता था और बहुत पेन ही होता था। 1 वीक तक पूरा इधर बर्न जैसा होता था और ये पूरा इधर, मतलब हम लोग फेस वॉश भी करते थे तो पोंछने के टाइम पे यहाँ पे सब दर्द होता था। तो बोटॉक्स मैंने कुछ लिया 1 एंड 2 ईयर्स कुछ तो लिया मैंने, बट उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। फॉर द टाइमिंग हुआ, फर्स्ट पीरियड में जब लिया था तो 3 मंथ्स तक ओके था, बट आफ्टर दैट जब भी लिया तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ बोटॉक्स का, कुछ भी फायदा पहला नहीं हुआ। पहला जो था उसका मेरे ख्याल से थ्री टू सिक्स मंथ सिक्स मंथ्स का उसका फर्स्ट ये था इफेक्ट था। सेकेंड जो लिया उसको डायरेक्टली 3 मंथ्स आ गया, और जो थर्ड हम लोग ने शॉर्ट लिया उसमें हार्डली 1.5 मंथ्स में ही समझ गया, और उन्होंने बोला कि ये आपका रिडक्शन होते ही जाएगा और आपको इसका इफेक्ट कम हो रहा है। देन हम लोग ने उसको स्टॉप करके देन वी वेंट टू न्यूरोलॉजिस्ट और बहुत पेनफुल भी था। मतलब वो लेने के बाद में बहुत दर्द, 1 वीक तक बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। मतलब फेस वॉश करना, ये पूरा ब्लैक हो जाता था यहाँ पे पूरा, और ऐसे होल दिखते थे यहाँ, यहाँ का होल तो जो था लिटरली दिखता था मुझे 1 वीक तक। आफ्टर दैट तो चला जाता था, लेकिन होता था, दर्द बहुत था उस वक्त भी। उससे कुछ इफेक्ट तो कुछ भी नहीं हुआ उसका। फिर बाद में मैंने वो बंद करके बोला चलो है जो है वही से हम लोग सफर करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो डिसीजन ले लिया उसके बाद में। बोटॉक्स क्या करता है कि ये मसल्स में इंजेक्शन देने के बाद इनको पैरालाइज करता है, और ये पैरालिसिस 2 या 3 महीने तक रहता है। बाद में ये स्पैजम्स फिर शुरू होते हैं, लेकिन जब शुरू होते हैं तब अंदर का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गया रहता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल और लंबी होते जाती है जैसे मंथ्स जाएंगे। जब भी हेमिफेशियल स्पैजम्स न्यूरोवास्कुलर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो, तो मेरा ऐसा आग्रह रहता है कि जितने जल्दी हो सके एमवीडी सर्जरी करना चाहिए। तो ये ऊपर से लगाने जाने वाली पट्टी है बोटॉक्स, तो बोटॉक्स इंजेक्शन वो जो रियल अंदर का रीजन है उसको दूर नहीं करता है। इसलिए मेरे ख्याल में हेमिफेशियल स्पैजम जब बढ़ते जाते हैं तो विद इन टाइम एमवीडी सर्जरी करके वी हैव टू एम एट क्योर, वो क्योर करने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप लेते रहे लेते रहे लेते रहे तो 2 3 साल के बाद आपका स्पाजम ऐसा हो जाएगा कि उस समय सर्जरी भी मुश्किल हो जाएगी। 15 साल हम एमवीडी सर्जरी कर रहे हैं एज अ टीम, और हमने बहुत रिजल्ट्स देखे हैं। हमने रिसेंटली वो रिजल्ट्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट भी किए थे, सो दे हैव बीन प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप्स, इंटरनेशनल पीयर्स। वी हैव 99% सक्सेस रेट इन ट्रीटिंग हेमिफेशियल स्पैजम्स। तो ये जो ऑप्शन है हेमिफेशियल स्पैजम का, इसलिए मैं हरदम बोलता हूं कि दिस इज अ बेटर चॉइस।
इसका रीजन और भी एक है दोस्तों कि हेमिफेशियल स्पैज्म ये सिर्फ कॉस्मेटिक बीमारी नहीं है। हेमिफेशियल स्पैज्म के बहुत पेशेंट ने मुझे बताया है कि डॉक्टर ये स्पैज्म की वजह से हमारी जिंदगी पूरी डिप्रेशन में चली गई है, हम शेल में गए हैं, हम बाहर जाने को भी डरते हैं कि स्पैज्म देख के कोई हंसे, कोई और कुछ बोले। इट अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, ये आपके काम के बीच में आता है, ये आपके सोशल इंटरेक्शन के बीच में आता है, ये आपके यंग पीपल में शादी के बीच में आता है, जॉब इंटरव्यूज के लिए लोग नहीं जा सकते हैं, सिंपल एंजॉयमेंट लाइक गोइंग टू मूवीज डिफिकल्ट हो जाता है कि लोग क्या बोलेंगे। हमें ये बताना चाहिए लोगों को कि ये परमानेंटली ठीक होने का तरीका क्या है, एमवीडी सर्जरी क्या है, वो कैसी की जा सकती है। दूसरी एक चीज इन पेशेंट्स को बताई जाती है कि सर्जरी में बहुत रिस्क रहता है। अभी ये एडवाइस कौन देता है जिनको ये मालूम नहीं कि सर्जरी क्या है, कैसी की जाती है और क्या एडवांसेस हुए हैं इंडिया में, उसके लिए जो सेंटर है वो क्या काम कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं रहती है। देन नॉट बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन ये एडवाइस फ्रीक्वेंटली दिया जाता है। मेरा सवाल ऐसा है कि ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें रिस्क नहीं है? बोटॉक्स भी केमिकल है तो उसमें कुछ रिस्क होता नहीं है क्या? होता है। केमिकल्स कैन हैव सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, दे कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। जब आप पेट में दवा लेते हो तो उससे कुछ खराबी शरीर में नहीं होती है क्या? हो सकती है। तो वैसे सर्जरी में भी स्मॉल परसेंटेज ऑफ रिस्क हो सकता है। अगर आप एक गांव से दूसरे गांव गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो उसमें रिस्क नहीं है क्या? तो रिस्क हर एक चीज में रहती है। वो रिस्क रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो जो बीमारी है वो बीमारी में जो एक्सपीरियंस टीम है आप वो टीम से सर्जरी करवा ले सकते हो। आप यू कैन मेक श्योर कि यू गो टू द बेस्ट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर्स। सो लेट मी टेल यू कि ऐसा हुआ है कि गए कई साल में ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं उनकी वजह से ये रिस्क बहुत कम हो गए हैं। और प्लीज गो थ्रू आवर वीडियो इन विच आई हैव गिवन अ डिटेल्ड लेक्चर अबाउट द रिस्क एंड हमारे सीरीज में कितना रिस्क है। तो ये सब नॉलेज लेने के बाद फिर आदमी तय कर सकता है कि क्या करना है। प्लीज बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेने के बाद ही तय करें कि किस रास्ते से जाना है। मैं बोटॉक्स इंजेक्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बोटॉक्स इंजेक्शन हेमिफेशियल स्पैज्म को परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता है। और किसी ने आपको ऐसा बताया है तो वो इन्फॉर्मेशन गलत है। हेमिफेशियल स्पैज्म क्योर करने के लिए, परमानेंटली क्योर करने के लिए सिर्फ माइक्रोवैस्कुलर डिकॉम्प्रेशन सर्जरी यही एक ही तरीका है। ये अभी मेडिकल साइंस का आज का ट्रूथ है। मेडिकल साइंस में इवोल्यूशन होते रहते हैं तो 10 बरस के बाद शायद दूसरा तरीका आ सकता है। लेकिन इस विषय के दूसरे वीडियोस हमारे चैनल में वो भी देखिए और इसके विषय का जो ज्ञान है वो बढ़ाइए और फिर आपके आपको जो अच्छा लगे वो डिसीजन आप ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज फैलाने में अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम ज्यादा सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। ये सेंटर हमने 15 साल से शुरू किया है। एज आई सेड ये एशिया में ऐसा एक ही सेंटर है जो स्पेसिफिकली ये सर्जरीज के लिए डेडिकेटेड है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग पेशेंटली।